टी गार्डन, क्या मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों? अगर हिस्ट्री में देखा जाए टी गार्डन का मतलब वो एक छोटा गार्डन होता है जो घर के पास हो और जहाँ बैठ के चाय पी जाती हो। तो ये टी गार्डन शब्द हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन असल में इसको टी प्लांटेशन बोलना ज्यादा सही होगा शायद। आप इसे क्या बोलना चाहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात यह है कि ये चाय हमारे घर तक पहुंचती कैसे है। तो चलिए आइए जानते हैं, सीखते हैं इसके बारे में कि ये चाय तैयार होकर हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। स्वागत है, आज हम बड़ी स्पेशल जगह पर हैं। हम दार्जिलिंग के बारे में जानते हैं, हम आसाम के बारे में जानते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को पालमपुर के बारे में कितना मालूम है, बट अभी हम एक पालमपुर के टी प्लांट में खड़े हैं जहाँ पूरी टी राइट फ्रॉम बिगिनिंग वो टी कहाँ तक पहुँची है। मेरे साथ बने रहिए और हम इसके बारे में बात करते हैं। मेरे साथ नवल जी हैं, ये मेरी हेल्प करने वाले हैं समझने में प्लांट के बारे में कि ये प्लांट कैसे काम करता है। सर ऐसा है, जब फर्स्ट ये हमारा लीफ आता है, ये फ्रेश लीफ है, ये देखिए ये फ्रेश लीफ है, फ्रेश लीफ है, ये अभी अभी इस गाड़ी में ही आया है। यहाँ पर आने के बाद समझते हैं नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहते हैं। सर यहाँ से आगे पहले फर्स्ट लीफ का एक आपका वेइंग होगा, कितना लीफ आपका गार्डन का है। उसके बाद इसको ये जो विदेई ट्रफ लगे हुए हैं इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम इसमें बीच फैला देंगे, फैन लगे हुए हैं इसमें, नीचे जाने लगी हुई है। 10 से 12 घंटे का पीरियड है। देखिए फ्रेश लीफ को विदेट करना है नॉर्मल एयर से, रेन पड़ रही है तो हमारे को हॉट एयर भी देनी पड़ती है। आम आदमी के लिए समझने के लिए इस प्रोसेस का क्या मतलब है? इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एंजाइम को प्रिजर्व कर रहे हैं, हाँ कलर और फ्लेवर रख के लिए। वैसे तो अभी मैनुअली डाल दिए लीफ वहाँ, क्वांटिटी बढ़ती है तो उन्होंने काम जिस ट्रक में जाना है उसमें आपने वहाँ पहुँच जाएगा, क्वांटिटी कम है ना, इस वजह से हम मोनोरेल नहीं चलाते, मोनोरेल की बुकिंग नहीं चलाते। ये बेसिकली मोनोरेल है के लिए लीफ को कैरी करती है ताकि लीफ मिसहैंडल ना हो। क्वांटिटी क्योंकि कम है अभी तो अभी उसे मैनुअल प्रोसेस में कर रहे हैं। ग्रीनिश डिग्री का मतलब है कि ये प्रोसेस होने से पहले का है। तो ये देखिए थोड़ा ब्लैकिश उसमें आ गया, कलर में आ गया, 50-60% ड्राई आउट है। ये विदरिंग होने के बाद जो ड्राई लीफ है इस वाले चैनल से भेजा जाता है नीचे ताकि नीचे प्लांट में इसको फर्दर प्रोसेस किया जाए। अल्टीमेटली मैं आपको बता दूँ, यहाँ से गाड़ी आई, गाड़ी ने लीव्स यहाँ पर डाले, लीव्स डालने के बाद अगर वो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस रेल चेन को यूज़ किया, अगर रेल चेन को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैनुअली डाला, उनको बेसिकली विदरिंग किया, विदरिंग करने के बाद विदरिंग का एक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली उसका जो कलर है और एंजाइम है लीफ का वो प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है जो काफ़ी ड्राई आउट होता है। अगर इसकी मैं मॉइस्चर देखूँ, इसका मॉइस्चर देखूँ ऑलमोस्ट सूख चुका है, ये बहुत कम मॉइस्चर हो गया है, मतलब इसमें 50-60% मॉइस्चर निकल चुका है। उसके बाद इस सारे लीव्स को इन चैनल्स के थ्रू बेसिकली नीचे भेज दिया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे प्लांट है इसका। कहाँ से आया है, कितनी क्वांटिटी है, सारा लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, इसकी ट्रफ की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लीव डालते हैं। कहाँ से आया है, इसकी कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पर लिखा जाता है। इसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है। तो यहाँ पर बहुत ह्यूमिड है, थोड़ा गर्म भी है, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, लीव का जो मॉइस्चर है उसको सुखाया जाता है तो काफ़ी मॉइस्चर अंदर हो जाती है, तो इस वजह से बार बार मेरे कैमरे के लेंस में भी बेसिकली मॉइस्चर आ रहा है। वहाँ से लीव आई है, वेइंग हो गई, अब इसको हम स्प्रेड करेंगे इवनली ताकि कहीं गांठ ना रह जाए। ये बिल्कुल फ्रेश लीफ है जो बाहर ट्रक से आया है जो, और ये रेड लाइन है जिसके ऊपर हमें जाना नहीं है कैपेसिटी से ऊपर, क्योंकि हर टब की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ऊपर चली जा सकती है क्योंकि इसमें अंदर जो फैन नीचे जाली है, अगर आप देख पा रहे होंगे नीचे एयर आती है, इसकी अपनी कैपेसिटी है इसको ट्राई करने की। फ्रेश पत्तियाँ हैं, इसकी स्प्रेडिंग हो रही है, देखिए इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये स्प्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बाद एक क्वालिटी चेक लगेगा इसमें फाइन लीफ कितना है, फाइन लीफ में टू लीफ एंड वन बड। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस डेली चेंज होता है। ऐसा लीफ देखना है हमने कितना क्वांटिटी में आया, जैसे आपका 60% आया तो 60% के अकॉर्डिंग ही प्रोसेसिंग चलेगी पूरी, ये नहीं है कि जो प्रोसेसिंग आज दी है वो सेम कल देंगे आप, क्योंकि ये लीफ गार्डन से हर चेंज आता है हर। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी लीव्स बाहर से आते हैं उनमें उसकी क्वालिटी, उसके जो चाहे वो पत्ता कितना बड़ा है कितना छोटा है किस क्वालिटी का है कितनी उसमें नमी है कितनी ड्राई है कितना ड्राई है, वो सब क्वालिटी चेक के पैरामीटर्स है। और सबसे मज़ेदार जो इसमें बात है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो ये प्लांट की जो प्रोसेसिंग पावर है वो उसी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से लीफ आते हैं तो उसको उसी हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है और कस्टमाइज करके उसी तरह से उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये बहुत ही क्वालिटी चेक और एफर्ट्स वाला प्रोसेस है, बहुत अच्छा विशेषज्ञ खड़ा होना चाहिए इस बात को पहचानने के लिए कि एनर्जी सेव करना भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। बहुत बढ़िया, बड़ा रूरल जो
ड्राई लीफ। इसमें अगर आपने ऊपर देखा होगा तो विदरिंग लीफ आए थे, ये ट्विस्टिंग प्रोसेस हो रहा है, देखिए इनको ट्विस्ट किया जा रहा है। ट्विस्ट करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आपको इस स्टेज में मिलेगा, जिसमें ये जो लीव्स हैं ज्यादा कड़क मिलेंगे आपको, कितने ट्विस्ट हुए हैं इससे ये पता लग जाएगा ये किस क्वालिटी का लीफ है। नवल जी ये बता रहे हैं कि इसका जो मेन पर्पज होता है इसमें ट्विस्ट करना है, लीव्स को ट्विस्ट करना है ताकि ये लीफ जो सॉफ्ट लीफ आया, अच्छा लीफ आया, क्वालिटी आपको यहीं से पता लग जाती है। यदि आपका अच्छा लीफ आया होगा तो अच्छा ट्विस्टेड हो जाएगा, राइट। ट्विस्टेड जितना अच्छा ट्विस्टेड लीफ होगा उतना मार्केट में आपको मिलना ही सकता है। क्या बात है, ये लंबा लीफ आएगा, इसको लॉन्ग लीफ होते हैं आपके ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस। इस जब आप पानी में ब्रो करोगे तो लीफ पूरा खुलेगा। यहाँ और दार्जिलिंग की प्लांटेशन जो है सेम है, प्रोसेस है वो भी सेम है। अच्छा, जो आपको असम में है उसमें असम खुश है, उसमें क्या है कि आपकी लीफ चौड़ा होती है, टोटली सीधी सी बनती है, क्योंकि उसमें फ्लेवर कम आता है, इसमें फ्लेवर जो है ज़्यादा। जो प्लांटेशन है यहाँ भी वही प्लांटेशन है और दार्जिलिंग में भी सेम है। बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। तो जस्ट टू कंक्लूड, अभी हम स्टेज टू पर हैं, रोलिंग टेबल के ऊपर हम इन्हें ट्विस्ट कर रहे हैं, चाहे ट्विस्ट हो रही है। और ट्विस्ट होने के बाद उसमें दो काम होते हैं बेसिकली, एक तो ट्विस्टिंग तो करनी पड़ती है उसकी, दूसरी बात कितना ट्विस्ट हुआ है उससे क्वालिटी का चेक भी होता है। उसके बाद यहाँ से बाहर चलते हैं स्टेज थ्री पर। ये देखिए रोलिंग के बाद ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बोल रहे हैं, इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हो या फर्मेंटेशन बोल सकते हो। जब आपका रोलिंग का लीफ आउट हो के आता है उसमें क्या करते हैं, हम नॉर्मल हवा ब्लो करेंगे, क्योंकि लीफ जब रोटेट करते हैं तो गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या है कि अब जैसे हम नॉर्मल हवा इसमें ब्लो करेंगे तो इसका जो लीफ का जो फ्लेवर है और कलर है वो बीच से ही डेवलप होगा, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। जैसे जैसे आपका फ्लेवर डेवलप होने शुरू हो जाता है, नोज आने शुरू हो जाता है, तो अब लग जाता है पता, ऐसे लग जाता है पता, नोज चेक करते हैं कि फ्लेवर आने शुरू हो गया है, तो फिर इसको ड्राई कर देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इवन इमीडिएट ड्राई करना पड़ता है, यदि आप ज़्यादा देर रखोगे तो ये ब्लैकिश हो जाएगी चाय और इसका फ्लेवर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों एक मेजर बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो कंज्यूमर है इस बारे में जागरूक भी होना चाहिए, उसे पता भी होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। मैंने अभी तक तीनों स्टेज में कहीं भी कोई भी आर्टिफिशियल ऐड ऑन या आर्टिफिशियल चीज़ें यहाँ पर कहीं ऐड हो रही हैं कुछ भी नहीं है, सारा नेचुरल साइंस यूज़ हो रही है, बिल्कुल नेचुरल साइंस, नो केमिकल, ऑल अबाउट नेचुरल साइंस, नेचुरल प्रोसेस। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक मैंने कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं देखी जो ऊपर से ऐड ऑन की जा रही हो जिससे इसके फ्लेवर में, नेचुरल फ्लेवर में और नेचुरल प्रॉपर्टी में टी की कोई भी फ़र्क आए। वंडरफुल, वेरी गुड। तो अब दोस्तों चल रहे हैं यहाँ से स्टेज थ्री से स्टेज फोर की तरफ। ये पूरा का पूरा टी बनाने का फोर स्टेप प्रोसेस है। जब टी आती है, ग्रीन लीफ आते हैं, उसकी विदरिंग की जाती है, विदरिंग के बाद रोलिंग, उसके बाद रोलिंग उसे की जाती है, फिर उसका एक थर्ड स्टेज में ऑक्सीडेशन किया जाता है, लास्ट स्टेज ये जो ये स्टेज है इसमें बेसिकली उसको हीट किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। वो डिपेंड करता है उस लीफ में कितनी मॉइस्चर है, बट नॉर्मली ये 430 डिग्री सेल्सियस या 114 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। हीट करने के बाद उसमें करीबन 15 से 20 मिनट के बीच में चाय निकल जाती है, चाय बाहर निकल जानी चाहिए, अदरवाइज वो ख़राब हो सकती है। तो क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर के हिसाब से ही बेसिकली हीट किया जाएगा, मॉइस्चर में रह गई तो सारा लीफ बेकार हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे मेजर बात, जैसे हमने बताया, कभी भी जो बगीचे से लीफ आए हैं वो एक तरह के नहीं हो सकते, उनकी क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, उसके पैरामीटर डिफरेंस हो सकते हैं। उसी हिसाब से इसमें जो टेम्परेचर और जो उसका टाइमिंग है, कितना टाइम पर रखना है, ये डेली बेसिस पे वही होता है, चेंज होता है और मॉनिटर करना पड़ता है। और ये एक क्वालिटी चेक का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई लोग इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, देखिए ये गियर्स हैं यहाँ पर, यहाँ कोई कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पर जो भी टाइमिंग सेट की जा रही है, कुछ भी चेंज की जा रही है, इसको लूज करके आप टाइमिंग कम कर सकते हैं। तो अगर इस गियर को आप टाइट या लूज करते हैं उसके हिसाब से इस पूरे सेटअप की जो टाइमिंग है चेंज हो जाती है, और इतने टाइम में ही वो लीफ रोल होके बाहर आएगी। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। कोई कंप्यूटर नहीं है यहाँ पर, इट्स ऑल मैकेनिकल। टी डालने के बाद यहाँ पर आई, यहाँ आने के बाद यहाँ से हिट पे गई, और ये देखिए पूरा यहाँ से प्रोसेस होने के बाद यहाँ से दोबारा एक नीचे वाले चैम्बर में गई। नीचे वाले चैम्बर को देखने के लिए आगे आना पड़ेगा। ये देखिए नीचे इसमें चैम्बर बने हुए हैं, देखिए पता नहीं आप पता कितना देख पा रहे हैं, बट ये चैम्बर बने हुए हैं। इस
चैम्बर में जो टी है देखिए धीरे धीरे रोल कर रही है, मल्टी लेयर पे जब ये ड्राई होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम में ड्राई हो जाती है तो टी इस तरह से आ जाती है। दिस इज ऑलमोस्ट द फाइनल प्रोडक्ट। तो इसके बाद सिर्फ क्वालिटी चेक होगी और उसके हिसाब से उसका सेग्रीगेशन होगा और उनकी पैकिंग होगी। अब देखिए टी यहाँ कितने टी है, मेरे ख्याल से 15 से 20 फुट ऊंचा ढेर है, ये बल्क आ गया ड्राई होके सारा का सारा लीफ है आपका, अच्छा लीफ भी है आपका, खराब लीफ भी है, सारा बल्क आ गया है। ठीक है जो तो अच्छा लीफ ट्विस्टेड होगा वो अलग से निकलेगा। अब ये इसके बाद सेग्रीगेशन करते हैं, अब वहाँ से लीफ डलेगा जैसे लीफ एक मशीन से कम आपके 5 ग्रेड निकलेंगे। क्या बात है दोस्तों, नवल जी ये बता रहे हैं इस मशीन में देखिए ये है स्टेज 5 जिसके बारे में पहले बात नहीं की थी। यहाँ पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ग्रेडिंग की जाती है और ग्रेडिंग किसी भी एंड प्रोडक्ट का बेसिकली एक बहुत ही मेजर स्टेप होता है क्योंकि वही डिसाइड करता है कि ये मार्केट में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो नवल जी कुछ क्वालिटी के बारे में और क्वालिटी कलर और उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, तो शायद हम भी जब ग्रीन लीफ कभी ग्रीन टी लेने जाएंगे तो शायद हमें भी इस बारे में मालूम होगा। तो नवल जी प्लीज थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे आपका यहाँ जो ग्रेडिंग कर रहे हैं हम जी, ग्रेडिंग किसके लिए कर रहे हैं, जितना अच्छा लीफ होगा वो आपके ग्रेडेड होके लीफ होल लीफ में आ जाता जी है जी। सेकेंड उससे नीचे का पार्ट जो है वो ब्रोकन में चला जाता है जी। थर्ड उसके नीचे का पार्ट जो है फैनिंग में चला जाता है, जो हल्का पत्ता आता है वो क्रश हो जाता है वो फैनिंग में चला जाता है जी। फोर्थ आ जाता है डस्ट सबका। ठीक है, फर्स्ट वाला लीफ जो है जितना ज्यादा अच्छा लीफ होगा उतना ज्यादा आपका फ्लेवर होगा, कलर आपका लाइट होगा। जितने आप नीचे ब्रोकन फैनिंग डस्ट में चले जाओगे कलर आपका डार्क होता जाएगा, फ्लेवर आपका कम होता जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स लीफ है और लीफ जो होल लीफ है वो बेस्ट ग्रेड माना जाता है। तो ये ऑर्थोडॉक्स चाय है, जब आप ब्रो करते हो तो ये खुल जाती है। सही बात है। सीटीसी जब आप ब्रू करते हो तो खुलती नहीं है, वो दाना का दाना होती। मेरे लिए तो बहुत ज्ञानवर्धक था ये सब कुछ और मेरे बहुत नॉलेज आज एनहांस हुई है, बहुत नॉलेज मेरी बढ़ी है। अब बस हम लास्ट हम चीज करेंगे जो ग्रेडेड टी है, नवल जी बोल रहे थे कि भी दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट ग्रेड है बेसिकली टी का, टी बोलते हैं इसको, जिसको लीफ टी बोला जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड की टी है, देखिए ब्यूटीफुल, ये उससे थोड़ा सा लो ग्रेड की है, इसमें लीव्स आपको छोटे मिलेंगे, देखिए शायद काफी क्लियर देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए ये बिल्कुल बहुत बारीक है ये और काफी डार्क भी है ये और लोअर ग्रेड की टी है। बट लोअर ग्रेड की टी का मतलब ये नहीं है कि बैड है, ये खराब है ये, बट वो जो ब्लेंड है वो जो उसका टेस्ट है वो जो उसका कलर है वो उसी हिसाब से वेरी कर जाएगा बेसिकली, जो थोड़ा लोअर ग्रेड की टी होगी उसमें डार्कनेस ज्यादा होगी। तो देखिए दोस्तों ये बेसिकली डस्ट टी है जिसको हम टी बैग्स में यूज करते हैं। अगर टी बैग आप यूज करते हैं तो आप समझ जाइए आपको उसमें क्या मिल रहा है। तो देखिए ये एक रिटेल पैकिंग हो रही है और ये बेसिकली बल्क पैकिंग है, जरूरी नहीं है मार्केट में जो टी बेच रहा है वो टी प्लांट लेके बैठा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये टी प्लांट है और ऐसे कई टी प्लांट सामने होंगे, दार्जिलिंग में होंगे, जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो इन्हीं टी प्लांट से टी लेती है और ब्यूटीफुल पैकिंग करके बेचती है। देखिए ये हमारा टी है, ये हमारा ब्रांड है, तो ग्रेडिंग के हिसाब से टी का रेट अपना डिसाइड करती है वो कंपनीज। यहाँ से जो चाय आपकी रेडी होगी वो हमारे बल्क पैक बने हुए उसमें पैक होके कलकत्ता जाती है। मेजर क्या है, कलकत्ता में ब्लैक टी का ऑक्शन हाउस है और ग्रीन टी यदि बनाते हैं तो ऑक्शन हाउस अमृतसर में है। आप मोर ओवर इंडिया की आपकी ब्लैक टी बनी हुई होगी तो कलकत्ता ही सेल होने जाएगी। ब्रोकर बैठे हुए हैं, ब्रोकर हमारी चाय उठाते हैं, कुछ तो हमारी पैकेजिंग में ही एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ वो अपनी पैकेजिंग में भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें आप आर्टिफिशियल जिंजर डालोगे तो सामने दिखेगा। यहाँ पर दो बातें और इंटरेस्टिंग मुझे पता लगी हैं और जो बड़े शेयर करने वाली हैं। नेक्स्ट टाइम अगर जब आप ग्रीन टी पिए तो हो सकता है उनमें कुछ पीस पालमपुर के भी हो और हो सकता है वो दार्जिलिंग के हो। कोई भी टी जब टी प्लांट से निकलती है वो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में होती है, बल्क से वो होने के बाद उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें वो कौन से फ्लेवर या कौन सी और नई चीजें ऐड करना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर मार्केट को कैप्चर कर पाए, तो ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन थी, मैं पूरा क्रेडिट नवल जी को दूंगा इस पद के लिए, इतने प्यार से आपने पूरा यहाँ टूर कराया। नहीं, आपको बताना अच्छी बात है क्योंकि आप एक नेचुरल प्रोसेस तो देख पा रहे हो। हाँ बिल्कुल, इससे लोगों को अवेयरनेस और बढ़ेगी। आप जब ये चीज आप किसी और को दिखाओगे तो और अच्छा हमारे लिए। जैसे नवल जी ने बताया, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है इस नेचुरल प्रोसेस को हर इंसान के पास अगर ये पहुंचे, उसे जाने कि टी असल में जो हम पी रहे हैं उस टी में और एक ऑर्थोडॉक्स टी में और ग्रीन लीफ टी में बैक एंड प्रोसेस क्या होता है, उसको समझना, उसकी क्वालिटी को समझना,
ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चाय के एक अपने एंटीऑक्सीडेंट होती है, यदि आप चाय की तरफ पियो, दूध चीनी अवॉइड करो। दूध चीनी वाली चाय बेसिकली टेस्ट के लिए होती है, वो टंग के लिए होती है, लेकिन जो हेल्थ के लिए होती है वो नेचुरल टी होती है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कांगड़ा टी के बारे में, लोग यहाँ से ले जाते चाय को ओवर बॉइल कर देते, कड़वी हो जाती है। ये लीफ पानी उबल रहा है उसमें 2.5 ग्राम चाय पड़ती है एक कप के लिए, 100 ml के लिए। जैसे पानी उबल रहा है उसमें लीफ डालो, ढक के रख दो, गैस को बंद कर दो, उसको 4 से 5 मिनट के लिए रहने दो। जी जी जी, उसमें चाय का आपका अपना फ्लेवर और कलर जो है वो नेचुरल हो। क्या है कि लीफ है तो 4 से 5 मिनट लेती है ब्लक होने के लिए, और जैसे आपकी टी बैग्स वाली चाय है वो तो 2 मिनट में वो। अगली बार अगर आपको ग्रीन टी कड़वी लगे तो आप उस फैक्ट्री को या नवल जी को या किसी और को ब्लेम मत कीजिए, वो आपके टी बनाने का तरीका गलत हो सकता है, उसको ठीक कीजिए। चाय पानी को उबालिए, जब वो उबल जाए उसमें लीफ डालिए, गैस को बंद कर दीजिए और ढक के रख दीजिए 4-5 मिनट तो पड़े रहने दीजिए, वो चाय अपने आप बन के तैयार हो जाएगी, कुछ नहीं करना है आपको। एक बार टेस्ट डेवलप हो गया तो ट्रस्ट मी, ये आपकी बॉडी को बहुत ही फायदा देने वाली चीज है और एंटीऑक्सीडेंट है, फायदा करने वाली चीज है, और आपको इसी तरह से चाय को पीना चाहिए। थैंक यू वेरी मच चिरवल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, वेलकम। हमारे साथ हैं इस प्लांट के जनरल मैनेजर साहब, और इनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये इंश्योर करना कि एक एक दाना जो चाय का यहाँ से चाय वो एक क्वालिटी वाली चाय हो, और इस चीज को इंश्योर करने में इनका एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो आइए इनसे जानते हैं इस प्लांट के बारे में, प्लांट को ऑपरेट करने में और क्वालिटी कंट्रोल करने में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो इनको डे टू डे देखने पड़ते हैं और जिनको ये डे टू डे मिटिगेट करते हैं। मेन चैलेंजेस यहाँ पहला है कि ग्रीन लीफ कंट्रोल्ड ग्रीन लीफ आना, कंट्रोल्ड इन द सेंस क्वालिटी अनइवन नहीं हो, कोई एक पर्टिकुलर सोर्स से नहीं आती है ग्रीन लीफ, तो उसको कंट्रोल करना, प्लांटर्स को बोलना कि अच्छी पत्ती आप दीजिए, वो एक फर्स्ट चैलेंज है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा करेंगे तो अच्छी बिकेगी, खराब करेंगे तो खराब बिकेगी। सेल्स की बात है, हमारी मैक्सिमम चाय कलकत्ता ऑप्शन के थ्रू सेल होती है, बाकी अपना यहाँ काउंटर्स हैं, सेल काउंटर जो पैकेटिंग हम करते हैं, 15-20% चाय हम लोग तो बेचते हैं। ये चैलेंजेस डेफिनेटली ये कुछ छोटे चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि अगर टी की क्वालिटी और क्वांटिटी जो आपको चाहिए वो नहीं आ पा रही तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल शायद नहीं है, बट उसके बाद भी उसकी क्वालिटी को बनाए रखना, उसको मैनेज करना और डिमांड को पूरा करना एक सच में एक बड़ा चैलेंज है। कलकत्ता ऑप्शन में कंपीट करना पड़ता है ना, ये तो नहीं है कि कोई एक दो बायर ले रहे हैं हमारी चाय, हम लोग का कॉम्पिटिशन होता है मेनली फर्स्ट फ्लश सेकेंड फ्लश में दार्जिलिंग के साथ जी, ऑटम फ्लश जो सितंबर अक्टूबर में होता है जी, वो भी दार्जिलिंग के साथ कंपटीशन होता है जी जी। कुछ बताएंगे इस सेटअप के बारे में थोड़ा, ये सेटअप मैंने देखा काफी सारी बहुत ही पुरानी मशीन हैं। ये कोऑपरेटिव बना था 1970 और फैक्ट्री बनने में 2 साल लग गए थे, तो 1972 ऑनवर्ड से फैक्ट्री स्टार्ट हुई जी। तो कभी ऑपरेशन में इसके कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आते हैं, कभी ऐसा भी होता है? फाइनेंशियल चैलेंज तो आते हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है साल भर साल, अब मिनिमम वेज देना पड़ता है गवर्नमेंट का जो सेट मिनिमम वेज है जी, बट कंपेयर टू दैट द टी प्राइसेस आर नॉट वेरी कॉम्पिटेटिव। 2 साल तो कोविड के कारण से हुआ था, आपको पता है रशिया यूक्रेन वाला लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, सबका इम्पैक्ट पड़ा है कहीं ना कहीं, एक्सपोर्ट्स में इम्पैक्ट पड़ा है। वी हैव टू मैनेज बिटवीन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड आवर सेल रियलाइजेशन, मार्जिन बहुत कम हो गया है। तो मैं समझ रहा हूँ क्वालिटी भी, क्वालिटी क्वांटिटी डिमांड पूरा करना, फिर एक सप्लाई चेन को बनाए रखना, टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी साथ में है, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? टी बोर्ड ऑफ इंडिया तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्लांटेशन को भी देखते हैं वो, फैक्ट्रीज को भी देखते हैं। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो ये हब है इसका कितना बड़ा विजन है जिसको ये कवर करते हैं? ये पूरा हिमाचल कवर करता है और उत्तराखंड कवर करता है। अच्छा, और जे एन के जिसे नॉर्थन पूरा कवर करता है? जे एन के में तो गार्डन है ही नहीं, नॉर्थन इंडिया में दो ही पार्ट है, हिमाचल हो गया उत्तराखंड हो गया, मतलब जहाँ पट्टी होती है ये एक तरह से नॉर्दर्न इंडिया को रीजन को कवर करता है। तो ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। इसके अलावा कुछ अनकही चीज़ें होती हैं जो शायद मैंने आपसे नहीं पूछी होंगी और आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, शायद लोगों को पता होनी चाहिए, अगर ऐसी कोई बात है तो आप प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। सारा तो कवर कर लिया अच्छा, आपको अगर कुछ पूछना है तो। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दी, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि लोगों को इस टी के बारे में जो कि एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है इसके बारे में पता हो। मुझे चाय लेनी है, मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपसे चाय लेता हूँ, मुझे पता है कि मुझे आपसे क्या मिला। आपको यहाँ ओरिजिनल चीज़ ही मिलेगी, एड ऑन होते हैं वो पैकेट
लीटर्स का। तो दोस्तों जब भी पालमपुर में आए तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्टली यहाँ से आप चाय परचेज कर सकते हैं। स्पेशली पालमपुर आके तो चाय परचेज नहीं करेंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को मोटिवेट जरूर कर सकते हैं कि जब भी आप आए तो इस जगह पे आके कटोजी का जो यहाँ पर सेल काउंटर है आप वहाँ से चाय खरीद सकते हैं। तो कटो साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके टाइम के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो फाइनेस्ट है, क्लासिक है, सबसे बढ़िया आता है। अच्छा, ये ग्रेड वन रहती है। अच्छा, और उसके बाद आता है हमारा ये वाला प्रीमियम का सेकंड ग्रेड। अच्छा, उसके बाद ये प्रीमियम का तीसरा कैटेगरी, और ये प्रीमियम के जो तीनों का एक ब्रोकर सा बचता है इस तरह का, ये वाला, ये हम कहते हैं इस वाले के। अच्छा, और ये सबसे लोअर आता है, और यहाँ पे जो ये वाला रहता है ना, ये हमारा लोकल सबसे ज़्यादा बिकता है। अच्छा, ये वाला। अच्छा, ये वाला। थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो टीज है, अलग अलग तरह की पैकिंग है, इनमें क्या डिफरेंसेस है? जैसे प्रीमियम में आप देखेंगे, कि सबसे फाइनेस्ट आता है, बिल्कुल ऐसे बारीक है। उसके बाद ये थोड़ा मोटा हो गया, उसके बाद ये तीसरा, और ये ब्रोकन बताया मैंने आपको, और उसके बाद ये तीन ग्रेड, तीनों के लिए सही जैसे ही रहते हैं, बस ये सीजन के कट का फर्क है। जो ग्रीन टी रहती है वो स्टीम भी खाते हैं, तो उसमें हमारा जो बेस्ट वन रहता है उसमें हमारा रहता है ये लॉन्ग लीफ वाला। अच्छा, और ये वाले जो लीफ का है ये बाकी जो रहता है फिर उसको थोड़ा सा मतलब उसको इसमें ही डाला जाता है, ट्रक्स में ही डाला जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद थोड़ा सा रोल किया जाता है। काफी अच्छी नॉलेज है इसकी। अच्छी बात है, मतलब अपने काम के बारे में अगर सबको मालूम है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ठीक है, आपसे कभी और मुलाकात होगी, आपके टाइम के लिए बहुत धन्यवाद।